टाइम सेट हो गया, आठ से बाहर नहीं, आठ से बाहर नहीं निकलते हम, जो भी करना होता है आठ के अंदर करते हैं, आठ के अंदर ही कर लेते हैं। कहने के लिए बोला जाता है कि हम सेफ हैं, अच्छा, बट वी आर नॉट सेफ रियली। अच्छा, अभी भी वैसा कुछ नहीं है कि रात को सोच सकते हैं कि 9 बजे के बाद आराम से घूमेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब इतना तो पता है कि क्राइम है और लड़की के को थोड़ा ओवर मतलब प्रोटेक्शन चाहिए होता है, तो खुद से हम लोग खुद से पता रहता है कि इतना टाइम में बाहर जाना है, इतना टाइम में आ जाना है। अगर आप लड़कों की बात करें तो वो 24/7 नशे में रहते हैं, ये मैं ओपिनली बोल रही हूँ ना, आप सड़कों पर देख सकते हैं कि लड़के कैसे घूमते हैं। ऐसा है कि अगर घूमते हैं तो ऑब्वियसली डर लगता है। अच्छा, और अकेले न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूँ हमजा। बिहार और ख़ासकर पटना, पहले क्राइम पे कंट्रोल एक टाइम पर लग रहा था, मगर इस टाइम इलेक्शन का रिजल्ट आता है और उसके पहले और उसके बाद बहुत ज़्यादा क्राइम हुआ है। दरभंगा का लूटकांड हो या रुपेश हत्याकांड, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। लड़कियां जो खासकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी, अब कैसा महसूस करती हैं, आइए पटना की लड़कियों से आज हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी राय क्या है। जी आपका नाम? फरहत। फरहत, ये बताओ कि बढ़ते क्राइम पर आपको क्या लगता है कि अभी जो क्राइम हो रहे हैं बिहार में पटना में, क्या बोलेंगे, पहले भी क्राइम होता था, अभी भी क्राइम होगा, क्राइम पे कोई रोक नहीं है। कितना भी बोलेंगे, गवर्नमेंट वादा करते ये करेंगे, नारी के लिए ये निकालते हैं, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। लंबा लंबा वादा करते फेंकते हैं, लेकिन लास्ट में कुछ नहीं। सिर्फ लंबा लंबा वादा होता है, बस कुछ होता नहीं है लड़के लोग, कुछ नहीं होता। अच्छा ये बताइए, रात में जब निकलती हैं सुरक्षित महसूस करती हैं पहले? बिल्कुल नहीं, 8 बजे के बाद मतलब 8 बजे के अंदर हॉस्टल पहुंच जाना, हम लोग कहीं निकलते हैं बहुत डर लगता है, लाइट रहता नहीं, सोचते कि हाँ मम्मी पापा भी बहुत टेंशन में रहते हैं, कॉल करते हैं तो मतलब टाइम सेट हो गया, आठ से बाहर नहीं निकलते। जो भी करना होता है आठ के अंदर करते हैं, आठ के अंदर ही कर लेते हैं। तो ये चीज़ है कि थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करती हैं, अनसेफ फील करती हैं 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद जी आपका नाम? मेरा नाम शिखा। शिखा ये बताओ क्या राय है आपकी क्राइम पर जो हो रहा है, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? कहने के लिए बोला जाता है कि हम सेफ हैं, अच्छा, बट वी आर नॉट सेफ रियली, बिकॉज 8 बजे के बाद सच में हमें हॉस्टल में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, बहुत कभी कभी कुछ सामान लेने की नीड्स होती है, बट निकल नहीं पाते हम, निकल नहीं पाते, मतलब डर का माहौल हो गया क्या? डर, हॉस्टल वाले भी तो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं क्योंकि हम लोग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो इस वजह से निकल नहीं पाते। और अगर ये बोला जा रहा है कि सेफ है, तो क्या सच में हम सेफ हैं? हमें नहीं पता, नहीं पता नेक्स्ट टाइम कब क्या हो जाए हमारे साथ, सच में हमें नहीं पता, मतलब इस चीज़ का पता नहीं होता कि अगले मोमेंट में क्या हो जाएगा। हाँ ये तो है कि अगले मोमेंट क्या हो जाए, नेक्स्ट शिकार कौन है ये भी नहीं पता, नेक्स्ट न्यूज़ में हेडलाइन किसकी बनेगी वो भी नहीं पता, हम हो सकते हैं हमारी फ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकती है। चलिए जी आपका नाम? अपराजिता। हाँ ओके, आप अपराजिता हैं। हाँ। तो ये बताइए क्राइम अभी जो हाल के दिनों में कुछ हुआ है, इस पर क्या लगता है, उतना ही सेफ फील करती हैं, कुछ अनसेफ सा महसूस होता है, क्या है? हमेशा से अनसेफ ही फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाल के दिनों में क्राइम बढ़ गया या पहले नहीं था या अब हो गया। अच्छा, अभी भी वैसा कुछ नहीं है कि रात को सोच सकते हैं कि 9 बजे के बाद आराम से घूमेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पहले नहीं है, मतलब डर लगता है ऑब्वियसली। हाँ, टाइम बॉन्ड में घिर गया आदमी। हाँ ऑब्वियसली, 8-9 उसके बाद नहीं है ना, और क्या, और अच्छा। निकल के देख भी चुके हैं कभी कभी, कितना किस तरह से अनसेफ फील करती है, क्या होता है? इतने सारे रिपोर्ट्स आते हैं न्यूज़पेपर में, हर दिन आए दिन पढ़ते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मुझे निकलने की जरूरत नहीं है ना पता करने की, दैट वी रीड थ्रू एवरी डे, मैं वो पढ़कर ही समझ में आ जाता है। और क्या, तो खुद पे क्यों प्रैक्टिकल ऑब्वियसली जी, वैसा कुछ नहीं, तो वो अनसेफ वाला फीलिंग है ऑब्वियसली। हाँ ऑब्वियसली। हाँ जी आपका नाम? नेहा। नेहा ये बताओ आप क्या फील करती हैं? फील क्या मतलब, अब इतना तो पता है कि क्राइम है और लड़की के को थोड़ा ओवर मतलब प्रोटेक्शन चाहिए होता है, तो खुद से हम लोग खुद से पता रहता है कि इतना टाइम में बाहर जाना है, इतना टाइम में आ जाना है, कहीं ज़्यादा क्राउड देखे तो उसमें जाके इन्वॉल्व नहीं हो जाना, तो खुद से ही आदमी अलर्ट रहता है, एक्टिव रहता है, खुद को अलर्ट कर लिया। हाँ वही करना ही पड़ेगा, टाइम बॉन्ड में बांध लिया कि हाँ इस वक्त से ज़्यादा नहीं, टाइम बाउंड। हाँ वो ठीक ही है, मतलब डिसिप्लिन में रहेगा तो ज़्यादा चांसेस नहीं है, मतलब क्राइम को फेस नहीं करना पड़ेगा। बाकी तो ऐसे जो भी पुलिस है या फिर विमेन पुलिस भी एक्टिव रहती हैं, तो उसके वजह से लगता है कि हाल के दिनों में जो कांड हुए हैं उससे ज़्यादा अनसेफ फील हो रहा है या पहले से ऐसा था? नहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके वजह से ज़्यादा ये लग रहा है कि अनसेफ फील कर रहे हैं, ये सब होते रह रहा है, बट स्टिल गवर्नमेंट थोड़ा सा या फिर यहाँ की क्या कहना चाहिए गवर्नमेंट,
रिफॉर्म्स तो लाना ही चाहिए, मतलब लड़की ज़्यादा सेफ रहे और इजीली अपना जो भी काम है खुद से कर पाए, डिपेंडेंट नहीं होना पड़े, तो ये सब होगा तो ज़्यादा आसानी हो ही जाएगी और थोड़ा सेफ भी फील करेंगे। हाँ। जी आपका नाम? आर्या। आर्या, जो जिस तरह से क्राइम बढ़ है उसके बाद हाल फिलहाल में हुए क्राइम को लेकर आप कैसा फील करती हो खुद को? एक्चुअली पटना तो बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है लड़कियों के मामले में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लड़कों की बात करें तो वो 24/7 नशे में रहते हैं। ये मैं ओपिनली बोल रही हूँ, आप सड़कों पे देख सकते हैं कि लड़के कैसे घूमते हैं एंड वो कैसे ड्राइव करते हैं, चाहे वो कार हो या फिर बाइक हो, तो उनको थोड़ा सुधार लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो लड़कियाँ काफ़ी यहाँ पे अनसेफ है पटना में, तो बहुत ज़्यादा अनसेफ फील करते हो? हाँ बिल्कुल ही, बहुत ज़्यादा। एंड मैं तो उल्टी काउंटिंग कर रही हूँ कि कब मैं पटना से बाहर जाऊँगी। अच्छा, जल्दी क्यों? क्योंकि मुझे सेफ नहीं फील होता इधर। अच्छा, सेफ नहीं है? नहीं, तो पटना छोड़ देने का? हाँ हाँ बिल्कुल ही, क्योंकि मेरी पढ़ाई कम्प्लीट हो जाएगी 12th की, तो मैं पटना छोड़ दूंगी। पटना तो मतलब अनसेफ फील करते हो इस डर से पटना से बाहर जाने का? डर नहीं है, डरेंगे क्यों? अच्छा, किसी से क्यों डरना, बस ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे सेफ नहीं है। अच्छा। और एक साल और है, तो बस एक साल और है, बस उसके बाद निकल जाना। चलो, लड़कों को थोड़ी सुधार करने की जरूरत है इस मामले में। अच्छा। क्योंकि वो उन्हें बस अपने से मतलब रहता है। लड़के को समझा रही हो कि सुधर जाओ थोड़ा? हाँ बिल्कुल, सुधर जाओ थोड़ा, है ना। लड़के सुधर जाएंगे तो लड़कियाँ सेफ फील करेंगी। हाँ, बिल्कुल ही। शिवांगी। शिवांगी, ओके, ये बताओ कि कितना मतलब सेफ फील करती हैं खुद को इस हादसे के बाद? सेफ मतलब ऐसा है कि अगर घूमते हैं तो ऑब्वियसली डर लगता है। अच्छा, और अकेले घूमने में ज्यादा, अकेले घूमने में अकेले कैसा डर लगता है? मतलब डर ऐसे कि कोई भी आके रैंडमली बात कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वैसा डर लगता है। बात करने से डर लगता है साहब? अब वो इंसिडेंट के बाद तो, और पहले ऐसा नहीं था कि मतलब डर नहीं लगता था, पहले भी काफ़ी डर लगता था, बट पहले से थोड़ा बेटर सीन हुआ है पटना, क्योंकि हमारे अराउंड मेरी ही एज ग्रुप के लड़के सब हैं, बट दे टॉक लड़की के बारे में बहुत ख़राब से बात करते हैं वो। अच्छा, मतलब परसेप्शन बहुत गंदा है लड़की लोग को लेके। okay. चाहे वो कुर्ती में घूमे, चाहे वो कैसा भी कपड़ा पहन के घूमे, उन लोगों का परसेप्शन कभी नहीं चेंज हो सकता। अच्छा। चाहे वो अपने ग्रुप के हों, मतलब लाइक सेम एज ग्रुप के, सेम एज ग्रुप के, हाँ, चाहे वो आंटी अंकल हों, चाहे वो उससे भी बड़े हों। तो किस चीज़ों का ज़्यादा डर लगता है कि लोग कमेंटबाजी करेंगे, क्या मतलब किस चीज़ों का डर लगता है? कमेंटबाजी का उतना नहीं लगता जितना मतलब जजमेंटल नज़र होता है ना। अच्छा, मतलब लाइक बिना डिग्री के जज बन जाना। हाँ एग्जैक्टली। और बहुत गंदे से घूरते हैं लोग, बहुत ज्यादा, मतलब ऊपर से नीचे दे चेकआउट प्रॉपर। अच्छा, वो नहीं ठीक लगता। स्कैनिंग मशीन बना एग्जैक्टली, मतलब आई हैव नॉट गिवन अ राइट टू लाइक, हम यहाँ पे वो ऐसे चलते फिरते वो नहीं है कि मतलब तुम मेरे को ऐसे देखोगे, तो दैट इज नॉट नाइस। तो जैसा कि आपने पटना की लड़कियों को सुना, जब हमने उनसे पूछा कि कितना सेफ या अनसेफ फील करती हैं, क्राइम कुछ दिनों में थोड़ा ज्यादा बढ़ा है, तो लड़कियों ने कह दिया अनसेफ तो फील करते हैं। वजह भी बताई कि बहुत सारे लोग घूरते हैं, बहुत सारा हादसा पेपर में पढ़ते हैं, इस वजह से अनसेफ फील होता है। तो क्यों ना हम अपने शहर को इतना अच्छा बना दें कि कोई भी यहाँ पर अनसेफ ना फील करे। हम एक कदम आगे बढ़ाएं, प्रशासन को आगे आने चाहिए इस चीज़ को कि हर इंसान की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है कि वो जब सड़कों पर निकले, चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो वो सुरक्षित महसूस करे। ये हादसे जो हुए हैं इससे सबक लेने की बात है हमें, और सुशासन की सरकार कही जाने वाली सरकार में कम से कम हर लोग सुरक्षित महसूस करे, ये बात तो होनी चाहिए। आपकी राय क्या है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दें। आपको क्या लगता है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं या निकलती हैं तो आप कितना सेफ या अनसेफ फील करती हैं? अपनी राय ज़रूर रखें, आपकी राय भी उतनी इंपॉर्टेंट है। और जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।